नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर के भाजपा प्रत्याशी विवेक सेजवलकर ने शुभ मुहूर्त के अनुसार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे 22 अप्रैल को दल बल सहित फिर से अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी पूरी पकड़ है और नरेंद्र मोदी का करिश्मा और उनका काम उनकी जीत का आधार बनेगा। आज ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी एवं महापौर विवेक सेजवलकर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मुहूर्त के अनुसार उन्होंने अपना पर्चा भरा है और आगामी 22 अप्रैल को वे भाजपा कार्यकर्ताओं और लाव लश्कर के साथ दोबारा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दो सीट पे नामांकन भरा है, एक नामांकन और 22 तारीख को भरने का तय किया। 22 तारीख को दो नामांकन और मैं भरूंगा। 22 को भी है जी। किस तरह का माहौल पा रहे हैं आप? अभी आपने जो भी जनसंपर्क किया है, जिससे मुलाकात की, व्यापक जनसंपर्क विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है। शहर में ऐसा लगता है कि मोदी जी की लहर या मोदी जी को समर्थन केवल शहरी क्षेत्र में है, पर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे भले ग्रामीण क्षेत्र का किसान बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, पर आज वही समझ चुका है कि देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। और इस बात के लिए पूरी तरह बहुत अच्छा वातावरण है और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, व्यापक समर्थन मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी विवेक सेजवलकर ने एक सवाल पर कहा कि शिवराज सिंह सरकार और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के जनहित के विकास कार्यों से शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी पार्टी का काफ़ी जनाधार है, जो हमारी जीत का बड़ा कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई मुकाबला नहीं है। मोदी कांग्रेस अध्यक्ष से कई आगे है और देश मोदी के हाथों में ही पूर्ण सुरक्षित है। नहीं, वर्चस्व ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का भी है, शहरी क्षेत्र में भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे 365 दिन काम करता है। और पिछले जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो सड़कों का विकास किया है, क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा, उससे पूरी तरह भाजपा का समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, उसका लाभ भी हमें मिलेगा। इसके अलावा जो एक मोदी जी या राहुल जी, मोदी वर्सेस राहुल जो एक तरह से इशू है और लड़ाई है, इसमें मोदी जी बहुत भारी पड़ रहे हैं और पूरा समर्थन ग्रामीण जनता का और नगरीय जनता का मोदी जी के साथ है। ग्वालियर सांसदीय क्षेत्र से एक बार फिर शहर के दूसरे मदनलाल धरती पकड़ कहे जाने वाले आनंद सिंह कुशवाहा रामाड़ी चुनाव मैदान में है। उन्होंने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 1994 में प्रदेश के पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा द्वारा अपमानित एवं व्यक्तिगत टिप्पणी से आहत हुए आनंद सिंह तब से ही लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उनका यह 25वां चुनाव है। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक वह सभी चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि पहले उनकी लड़ाई पूर्व मंत्री और अपने पड़ोसी नारायण सिंह कुशवाहा से थी, जिसे वो हर कीमत पर हराना चाहते थे। 2018 में उनकी ये अभिलाषा पूरी हुई। अनंत सिंह कहते हैं कि बजरंग बली ने उनकी हसरत पूरी की है, क्योंकि नारायण सिंह कुशवाहा 121 वोटों से कांग्रेस के प्रवीण पाठक से पराजित हुए हैं, जबकि उन्हें विधानसभा चुनाव में 125 वोट मिले थे और ये सभी वो नारायण सिंह कुशवाहा के बताए जाते हैं। उनका कहना है कि यदि वे विधायक का चुनाव नहीं लड़ते तो शायद नारायण सिंह कुशवाहा एक बार फिर विधायक बनने में कामयाब हो जाते, लेकिन अब उनका मकसद वास्तव में जनप्रतिनिधि बनकर लोगों की सेवा करना है। ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी के गेट पर चाय की छोटी सी गुमटी चलाने वाले आनंद सिंह कुशवाहा अब तक चुनाव में 4 लाख से ज़्यादा की राशि खत्म कर चुके हैं। खास बात यह है कि आनंद सिंह अभी तक कोई भी चुनाव जीत नहीं सके हैं और उनकी हर बार जमानत जब्त हो जाती है, बावजूद चुनाव लड़ने के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। चुनाव मेरे 25वां आए लड़ चुका हूँ वो। अच्छा, फार्म देखा तो कहीं फार्म विड्रॉ भी कर लगेगा, समाज के प्रति, बच्चे की शादी के प्रति। मैं चुनाव लड़े 25 लड़ रहे हैं मुझे। तो कौन कौन से चुनाव लड़े हैं? पार्षद का, महापौर का, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का,
राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सारे चुनाव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में भाजपा लोकसभा का चुनाव जीतेगी, क्योंकि ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर के धर्मयुद्ध वाले बयान पर कहा कि इसका मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा से है। शिवराज सिंह ने प्रदेश में आए दिन हो रही बिजली कटौती में प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार स्थितियों पर काबू नहीं पा रही है तो वो अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में बीजेपी के षड्यंत्र ये योजना सफल होती है तो ये कांग्रेस सरकार का फेलियर है और उसे सरकार छोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि इंदौर में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर बीजेपी के षड्यंत्र होने का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद अच्छी है और वो सभी 29 सीटें जीतने में कामयाब होगी। गौरतलब है कि शिवराज सिंह वायुयान से ग्वालियर पहुंचे थे और वे सड़क मार्ग के द्वारा मुरैना के लिए रवाना हो गए। उन्हें एक सभा को संबोधित करना है। देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब रिलीजन थोड़ी है। धर्म का मतलब सब अच्छी बातें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ये तो धर्म है। सरकार काय को चला रहे हैं, छोड़ के बाहर आ जाएं अगर षड्यंत्र संभल नहीं रहे तो? ऐसी बातें करते हैं काय के लिए बैठे हैं वहाँ? बीजेपी का षड्यंत्र सफल हो रहा है तो स्थिति संभल नहीं रही, दोष बीजेपी को देते हैं। 18 अप्रैल से नगर निगम द्वारा संचालित ग्वालियर के फूलबाग स्थित बाल सरोवर का वर्तमान सत्र शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है। बाल सरोवर में तैराकी के लिए प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म वितरण प्रारंभ कर दिया है। नोडल खेल अधिकारी बी के त्यागी ने बताया कि नगर निगम द्वारा फूलबाग क्षेत्र में बच्चों के लिए संचालित बाल सरोवर में प्रवेश हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थी आवेदन फॉर्म बाल सरोवर से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सुबह और शाम को 4-4 बैच रहेंगे। एक बैच में 35 से 40 प्रतिभागी स्विमिंग कर सकेंगे। तैराकी का समय 60 मिनट ही रहेगा। दर्पण कॉलोनी ठाडीपुर से ये बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए छुट्टियां हुई हैं इनकी, तो ये लोग सीख जाएंगे। नहीं, ये पहले नहीं आया, लेकिन जानता थोड़ा बहुत। ये फॉर्म लेने आया था स्विमिंग सीखने के लिए। अच्छा, स्विमिंग आती है? नहीं, अभी नहीं आती है। सब कुछ है, आप व्यवस्थाएँ ठीक हैं? अच्छी व्यवस्था है, साफ पानी है बिल्कुल। आज से फॉर्म वितरण एडमिशन प्रक्रिया चालू कर दी गई है, साथ ही साथ इसके संधारण का काम भी चल ही रहा है। 5-7 दिन में एडमिशन के प्रोसेस पूरे कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ इसका स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। पानी, जैसा कि आपने देखा, पूल भर ही दिया है और पानी को क्लीनिंग की प्रोसेस चल रही है और संभवतः अगले हफ्ते तक हम इसको चालू कर देंगे। ग्वालियर में 100 वर्ष पुराना हनुमान जी के मंदिर में अचानक गुरुवार को हनुमान जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया, जिससे लोगों के अंदर यह चमत्कार का विषय बन गया। वहीं मंदिर प्रांगण में लोगों की दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगने लगी। ये मंदिर मांडरे वाली माता मंदिर पर स्थित है। अपना सुबह के टाइम पे आरती करने आए थे तो उसी टाइम पे अपने को छोला छूटा हुआ मिला, तो अपन ने देखा, फिर छोला छूटा हुआ था तो फिर पूरी साफ़ सफाई की। और जो रात के टाइम पे अपन ने मंदिर बंद किया था तो बिल्कुल ठीक था, रात के टाइम पे आरती हुई, कुछ नहीं, सुबह ही हुआ जैसे कुछ हुआ। कितने वर्ष पुराना जी? अपना 140 वर्ष से ऊपर। ग्वालियर में ट्रैफिक को ठीक करने के नाम पर सड़कों पर सीमेंट के डिवाइडर रखने का नया चलन चल रहा है। अफसरों ने बिना सड़क चौड़ाई देखे काले पीले रंग के सीमेंटेड डिवाइडर रख दिए हैं। कई जगह तो ट्रैफिक में सुधार आया है, लेकिन जैसे महाराजबाड़ा पर लगाए गए डिवाइडरों से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महाराजबाड़ा में रोड काफ़ी चौड़ी है। अगर नगर निगम और प्रशासन चाहे तो फुटपाथ के दुकानदारों को शिफ्ट कर यातायात में आ रही परेशानी से निजात मिल जाती, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और महाराजबाड़ा पर काले पीले रंग के सीमेंटेड डिवाइडर रख दिए हैं, जिससे वहां रोड की चौड़ाई कम हो गई है और लोगों को भी यातायात से जूझना पड़ रहा है। बाड़े के ऊपर बैरिकेडिंग की कहीं आवश्यकता ही नहीं है,
चारों तरफ से बड़ा इजीली यातायात पहले मूव होता था, लेकिन इस प्रकार के बैरिकेडिंग करने से यहाँ दो दिन से इतनी भयंकर परेशानी हो रही है। पूरा दौलगंज जाम था, पूरा माधोगंज, पूरा चिटनीसी रोड, स्काउट रोड, सराफा, ये सभी ब्लॉक हो गए, दो दो घंटे तक का जाम रहा। मैं समझता हूँ प्रशासन को समझदारी से काम लेना चाहिए, केवल इंक्रोचमेंट बाड़े का हटना चाहिए जो ये हटा नहीं पा रहे। जिस दिन ग्वालियर से यहाँ का इंक्रोचमेंट हट जाएगा तो बाड़े पर बड़ा सुगम यातायात संचालित हो सकता है। उस पर जोर नहीं दिया जा रहा, ना तो इसको नगर निगम हटा पा रही है। कल भी लग गए थे यहाँ पर सब ठेले, अभी बैंक के आसपास देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है प्रशासन से, बाड़े पर बैरिकेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आप इंक्रोचमेंट हटाकर इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। कल की बैरिकेडिंग तो इतनी ख़राब थी जो लगाई थी, या तो यहाँ के दुकानदारों को साथ में लेना चाहिए, कुछ समझदार लोगों को साथ में लेना चाहिए, फिर प्रशासन को कोई निर्णय लेना चाहिए। अब मेरे को आप ये बताओ, 30 से 40 फुट लंबी जो बस होती है उसको आप चिटनीसी बोर्ड से कैसे मूव कर सकते हैं? या तो चिटनीसी बोर्ड से केवल टैक्सियाँ अलाउ करी जाएँ और सीधी जो प्राइवेट व्हीकल है वो माधोगंज से सीधे निकाले जाएँ। अब चिटनीसी बोर्ड से अगर कोई गाड़ी सामने से आ जाती है तो फिर आप ये समझ लो कि वहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है, कि दो गाड़ियाँ एक साथ एक क्रॉस हो नहीं सकती वहाँ पर। तो इस पर भी थोड़ा देखना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो मेरी निगाह में है, शहर के अंदर जो स्कूल की बसें हैं उनका साइज़ छोटा करना चाहिए। अगर गाड़ी लंबी ना हो और छोटी गाड़ियाँ हो तो शायद ये ट्रैफिक की समस्या दोपहर में और शाम को आती है और आती है उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। कुछ रास्तों पे जैसे अगर मान लो कोई दौलतगंज के रास्ते से अगर आता है तो उसके लिए ट्रैफिक खुला हुआ है, मगर अगर गोरखी के स्काउट के सामने से अगर आता है तो उसके लिए अवरोध बन रहा है, क्योंकि आज की डेट में फोर व्हीलर की वाहन की संख्या ग्वालियर शहर के अंदर ज़्यादा है, वो बराबर से जब चलते हैं तो ट्रैफिक जाम हो रहा है। कुछ विकल्प ठीक हैं, कुछ विकल्प सही नहीं है, स्थिति बनी रहती है। वो तो ट्रैफिक भी ज़्यादा है, स्थिति सुधार के लिए और किसी को और सुधार करना पड़ेगा। नहीं, लापरवाही तो नहीं है, कोशिश तो कर ही रहे हैं वो, यातायात तो लापरवाह कैसे होगा? कोई भी काम करने के लिए कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी कोशिश इन्होंने किए जी है, इस पर और आगे विकल्प देखेंगे। अगर कोई अपनी और अच्छी एडवाइस दे सकता तो वो भी स्वीकार करेगा। यातायात विभाग भाग भी सभी जगह पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, यातायात को कंटिन्यू सुधार रहे हैं, पब्लिक को ही सुधारना बहुत जरूरी है। ये क्या है कि शहर की यातायात सुगम बनाने के लिए इसके लिए बैरिकेड्स वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं, और यहाँ किसी प्रकार का जाम ना लगे इसकी व्यवस्था के लिए हम लोग ड्यूटी करते हैं। जनता को किसी बात की प्रॉब्लम ना हो, उनको गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है इससे जाम लगता है, वो भी गाड़ी नहीं खड़ी होने दी जाएगी, पार्किंग में गाड़ी रखें, इसके लिए यह कहा जाता है जनता से। हम लोग भी यहाँ यातायात व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, कोई भी जाम की स्थिति समय नहीं है, बढ़िया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पे मौका मुआयना किया जा चुका है और सही व्यवस्था चल रही है, समय कोई व्यवस्था जाम की स्थिति नहीं है। श्री बजरंग बाल मंडल वैदिक शिक्षा समाज कल्याण एवं पर्यावरण गो सेवा समिति ग्वालियर द्वारा 12वां भव्य चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह चल समारोह 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, वहीं 21 अप्रैल को भजन संध्या एवं विशाल भंडारा होगा। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बजरंग बाल मंडल मैना वाली गली ग्वालियर द्वारा संकट मोचन श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी सरकार का जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत 20 अप्रैल को 12वां भव्य चल समारोह आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह हाईकोर्ट इंद्रगंज से होकर नया बाजार, लोहिया बाजार, दौलतगंज, महाराज बाड़े से होते हुए इसका समापन मैना वाली गली में होगा। जन्मोत्सव समारोह का समापन 21 अप्रैल को भजन संध्या, छप्पन भोग, फूल बंगला एवं विशाल भंडारे के साथ होगा। श्री बजरंग बाल मंडल वैदिक शिक्षा पर्यावरण गो सेवा समिति तत्वावधान में विदित 11 वर्षों से 12वीं वर्ष से कार्यक्रम हो रहा है। नवरात्रि से कार्यक्रम सारा प्रारंभ हुआ है, रामनवमी को बड़ी भव्य आरती हुई थी 11 दीपों से, कभी कम से 400-500 लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। इसके बाद में 19 तारीख को हनुमान जी का बालाजी सरकार का रुद्र अभिषेक और बालाजी सरकार का हवन है। 20 तारीख को भव्य चल समारोह है जो कि मैना वाली गली बलाई दरबार से प्रारंभ हो गए, दाल बाज़ार, लोहिया बाज़ार, नया बाज़ार और पाटंगा चौराहे होते हुए दौलतगंज सराफा बाज़ार होते हुए गिरिराज जी मंदिर हाईकोर्ट में समापन होगा। इसमें दंदरू सरकार के महंत रामदास जी महाराज, बड़ीशाला के महंत राम सेवक दास जी महाराज, गौशाला से लाल टपारा से अक्षरधन जी महाराज, ऋषि जी महाराज, अन्य सभी लोग शामिल इसमें रहेंगे। ये कौन सा आयोजन है और लगभग कितने वर्षों से? लगभग 11 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, ये 12वीं वर्ष प्रारंभ है इसका मामला।
बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। जो आपका चल समारोह निकलेगा उसे लगभग कितने श्रद्धालु रहेंगे? लगभग 15 से 20 हज़ार लोग इसमें रहेंगे। इसमें पिछली बार बड़ा भव्य कार्यक्रम था, ये भी इस बार जो अधिक से अधिक है। इसमें भोपाल से ढोल पार्टी आ रही है इसके अंदर, और बड़ी बड़ी झांकियाँ हैं इसके अंदर, बड़े बड़े ट्रोल हैं, रथ भी है। इसमें मेन स्वरूप गौशाला का महाराज जी का स्थापना रहेगा इसके अंदर। मुखबिर की सूचना पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 70 ग्राम स्मैक ले जाते हुए युवक को पकड़ा। आरोपी का नाम गौरव राजपूत है। युवक को ग्वालियर बस स्टेशन के डीबी मॉल के पास घेराबंदी कर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बताते चलें कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि उक्त बदमाश बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने की फिराक में ग्वालियर आ रहे हैं। जिसकी सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच प्रभारी ने टीम बनाकर डीबी मॉल के पास ग्वालियर बस स्टैंड पर घेराबंदी की। वहीं उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके बैग से 700 ग्राम स्मैक, 1950 रुपए एवं 2 मोबाइल मिले। जब्त स्मैक की कीमत भारतीय बाजार में करीबन 70 लाख रुपए आंकी गई। श्रीमान पुलिस महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों के संबंध में अभियान चलाया गया है। इस संबंध में श्रीमान ASP महोदय क्राइम द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए। इस तारतम्य में आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि डीडी मॉल के पास एक व्यक्ति पिट्ठू बैग लिए खड़ा हुआ है और उसकी पिट्ठू में स्मैक है, वो बेचने की फिराक में है या बेचने ग्वालियर में। करीबन इसमें 700 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी बाजार की कीमत 70 लाख रुपये है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का हिसाब किताब रखने के लिए विधानसभा तैनात ऑब्जर्व ऑफ चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार या राशि परिवहन को रोकने लगी FST टीम को बुधवार को एक बार फिर से ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग कार्यक्रम में टीम के सदस्यों के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी, SP नवनीत भसीन सहित जिले भर के DSP और SDM मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी और SP का कहना है कि वैसे तो ये टीम बेहतर काम कर रही है, क्योंकि अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पूरे होते ही हो जाएगा कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी है। इसके साथ ही उनके समर्थन में रैली बैठकों का शुरू भी हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि टीम और बेहतर ढंग से काम करे। किसी चीज़ का कितना खर्च जुड़ना है और कौन कौन सी बात विशेष है जिन पर ध्यान देना है, इसलिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। इलेक्शन के दौरान प्रत्येक विधानसभा में गठित फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और इनकी कार्रवाइयों को और अधिक इम्प्रूव करने के लिए, पारस्परिक कोऑर्डिनेशन के लिए इनको आज यहाँ बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग और मीटिंग का उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान ये अपनी भूमिका और सक्रिय रूप से निभाएं। जैसा कि आपने देखा, नॉमिनेशन फाइल होने के बाद अब आम सभाएं, रैली इत्यादि होंगे, उस दौरान इनको नया रोल कौन सा प्ले करना है उसके बारे में ट्रेनिंग आज दी जाएगी। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।